मैं आप सबको यही मतलब अपना एक्सपीरियंस ये है कि हम किसी भी समस्या का समाधान कानून से कर सकते हैं। हमें सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं है, हमें सड़कों पर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा साहब ने भी कहा था कि हमें गलियों में सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है, हम कानून से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो 10 साल बाद जो आपको न्याय मिला उसके लिए क्या करें? आप थोड़ा सा बीच में जिसको जो बोलना है जो अपने सजेशन देने हैं वो अपना व्यक्तिगत सजेशन देंगे, यहाँ कोई डिस्कशन के लिए अभी नहीं है। अभी क्या है, मेरा एक टाइम क्यों हुआ देंगे, मेरे अपने सर्विस में एक एक्सपीरियंस हुआ है कि हम लोगों को अपनी सारी समस्याओं का पूरा पता नहीं है, हम कौन सी समस्या है उसको कैसे समाधान करें। अगर हमें समस्या नहीं पता होगी, समाधान नहीं पता होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है वो चले जाए औरतों के पास तो उसका समाधान नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ समस्या अगर किसी ने हमारे ऊपर वो ये एट्रोसिटी कर दी और वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है तो उसका कोई समाधान कोई मीटिंग नहीं मिलेगा, उसको तो मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, उसको तो पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, उसके साथ वो जो स्पेशल कोर्ट में जाना पड़ेगा, अगर वो नहीं जाएगा तो उसको कुछ न्याय नहीं मिल रहा। आप सब तरह घूमता रहे लेकिन कुछ नहीं होगा, इसलिए ये पता होना चाहिए कि समस्या क्या है उसका समाधान कहाँ होगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी हैं उसका एक लीगल फोरम हमारी इसकी है, जितनी समस्याएं हैं जैसे अभी जो रविदास अब्दुल रविदास मंदिर तोड़ा गया उसके बारे में शुरू से क्या समस्या थी, क्यों तोड़ने की अनुमत हुई, कहां कहां कमी हुई, कैसे हमने उस केस को सीख से लड़ा क्यों नहीं, तो उसका हमारे पास जितनी भी समस्याएं हैं उसका अगर हमारे पास लीगल साइड होगा तो हम समस्या को समझें और कोर्ट में सही जगह उसको प्रैक्टिस करें और ऐसी स्थिति ना आने दी जाते हैं जैसे ये मंदिर तोड़ने वाली स्थिति आई। और दूसरी बात यह है कि वो सारे ऐसे कानून हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल अपोजिट है, तो हम उनको चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो उसकी चैलेंज करेंगे हमारे पास फॉर्म होगी तब करेंगे। तो ये सब उसके लिए हमें पास एक लीगल स्टैंड होना चाहिए। और क्योंकि मैं अब क्या है कि आप समझो विचार हो गया हूँ तो मैं समाज की सेवा करने के लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जब आप कहोगे मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। इन सब के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।